दोस्तों मैं जिस लोकेशन में पहुंच चुका हूं ये है आगर खाल। और आगर खाल देख सकते हो यार, ये मंडुए का आटा है। ये क्या रेट है? 50। ये 50 रुपए किलो है मंडुए का आटा, जो कि आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जो भी पहाड़ी अदरक होता है, जिंजर होता है, उसका पाउडर है। देख सकते हो कितना अच्छा पैकिंग किया हुआ। दोस्तों आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सीधा गांव का नजारा, गांव की खूबसूरत सा नजारा और देवभूमि उत्तराखंड से। और ऋषिकेश के बाद ये गांव का है जो खूबसूरत सा नजारा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉग। तो दोस्तों आज का वीडियो भी मैंने शुरू कर ही दिया है देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से। और आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, जो कि मेरा गांव पड़ता है ऋषिकेश से लगभग 50 किलोमीटर दूर। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने गांव में। और अभी मैं फिलहाल ऋषिकेश से निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और धूप भी अच्छी खासी आ चुकी है देवभूमि उत्तराखंड में। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गाँव, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में बने रहे दोस्तों। और चलते हैं फिर अपने गाँव की तरफ। दोस्तों देख सकते हो यार कितना बढ़िया नजारा है यार। तो दोस्तों मैं जिस लोकेशन में पहुंच चुका हूँ ये है आगर खाल। और आगर खाल पड़ता है ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर। और ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर आने के बाद जो आगर खाल पड़ता है तो ये है वो। और यहाँ पे आपको काफी कुछ मिलेगा, जो कि हम पहाड़ी कल्चर में जैसे कि आपको घर से जैसे दाल और अदरक, और आपको मिलेगी यहाँ पे अरबी पिंडालू, जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में पिंडालू। और यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा दोस्तों, जैसे कि हमारे पहाड़ों में जो भी चीज़ होती है, लहसुन होता है और अदरक होता है और मिर्चा होता है जो कि रेड मिर्ची होती है। और दालें, कितनी सारी दालें हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यार। और ये लहसुन है, घर की लहसुन है भैया, ये है घर की लहसुन और पहाड़ी लहसुन है। और पहाड़ी दाल, जितने भी आपको पहाड़ी दाल मिलेंगी तो भाई आगर खाल में आप जब भी आते हो ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर आने के बाद, या आपको पड़ेगा आगर खाल, जो कि आगर खाल में इतना सारा जो पहाड़ी दालें हैं और पहाड़ों में जो भी होता है, अदरक होता है, लहसुन होता है, इतना सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है दालें भैया, ये क्या है? ये झंगोरा है। और ये कितने रुपये किलो है? ये 100 रुपये किलो है झंगोरा। देख सकते हैं यार भैया ने यहाँ पे कितनी अच्छी दुकान लगा रखी है। और दोस्तों आप कभी भी ऋषिकेश से ऊपर आओगे तो यहाँ पे दालों का आपको पहाड़ी दाल मिलेंगी, जैसे कि इन पार्सलों में पैक करी रहती हैं। आपको बहुत सारे प्रकार की दाल मिलेंगी यहाँ पे, जैसे कि ये राजमा है। तो भैया ये कौन सी राजमा है? ये हर्सिल उत्तरकाशी वाली राजमा है। और ये वाली कौन सी दाल है? ये मिक्स दाल है, ये मिक्स दाल है, पहाड़ी मिक्स दाल, जो कि आप इसको इसका रेट कितना है? 120 रुपए किलो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आगर खाल, जो कि ऋषिकेश से 30 या 35 किलोमीटर दूर आने के बाद आपको ये दालें मिल जाएंगी। यहाँ पे काफी सारी दालें हैं है, और पहाड़ी अचार, जो लहसुन का अचार होता है, जो पहाड़ी लहसुन होता है उसका अचार भी बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप पहाड़ी आंवले का अचार। आप भैया कह रहे हैं कि काफी कुछ है हमारे पास, तो आप ये सारा घर पे बनाते हो सारा? और ये दालें हैं जो है ना, ये जो दालें हैं आप ये घर पे बनाते हो? ये नेचुरल है यहाँ की। अच्छा, ये पहाड़ी है तो ये सारा घर पे पैक करते हो? नहीं, ये पहाड़ी तो है पर आप इसको घर पे पैक करते हो सारी दाल जो भी है? ये मतलब ये आप पहले तो जैसे खेतों से निकालने के बाद पैकिंग करते हैं, पहले सफाई करते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं और उसके बाद ये बेचने के लिए लाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देख सकते हो यार ये मंडुए का आटा है। ये क्या रेट है? 50। ये 50 रुपए किलो है मंडुए का आटा, जो कि आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और ये जिंजर पाउडर है, जो कि अदरक से बनाया हुआ है और ये घर में पीस के बनाया हुआ है। और इसको पैकिंग भी, मतलब पहाड़ी, जो भी पहाड़ी अदरक होता है, जिंजर होता है, उसका पाउडर है। देख सकते हो कितना अच्छा पैकिंग किया हुआ है यार, बहुत साफ सुथरा लग रहा है मेरे को तो ये पैकेट। तो काफी कुछ है, तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। काफी कुछ मिलेगा भैया आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि पहाड़ी वॉलनट
जिसको बोलते हैं अखरोट, देख सकते हैं यार भैया ने यहाँ पे अखरोट भी रखे हुए हैं। और फोकोट से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर और ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर दूर आने के बाद आपको पहाड़ी दालों का भंडार मिलेगा जो कि है आगरखाल में। और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, भैया ने यहाँ पे दुकान खोली हुई है और भैया ने यहाँ पे अदरक भी रखा हुआ है, देख सकते हो यार दोस्तों। आज मैं आया हूँ मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक, तो देख सकते हो यार यहाँ पे काफ़ी कुछ है और यूं ही बने रहे। फिर देख सकते हो पहाड़ी दालों का भंडार, आप यहाँ से दालें ले सकते हो। ये क्या रेट है भैया? काली भट्ट है भैया, काली भट्ट, ये काली भट्ट, और ये 120 रुपए किलो है। ये वाली लाल चावल है, ये भी 120, ये लाल चावल, और ये भी पहाड़ी राइस है, पहाड़ी दाल पहाड़ी है ना, वो है चावल है, चावल है पहाड़ी। और ये भंजीर है, और ये भांग भी है, आप इसको भांग की चटनी बना सकते हो, जैसे कि घर में लेके जाके आपको इसको भांग की चटनी बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा चटनी कैसे बनानी है। और ये भंजीर है, अब भंजीर की चटनी भी बनती है गांव में, पहाड़ों में तो बनती है, बट अगर आपको भंजीर की चटनी नहीं बनाती है बनानी आती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप एक बार कमेंट कर लेना। ये काफ़ी सारी दालें रखी है भैया ने यहाँ पे, और खुली दाल भी मिलेगी आपको यहाँ पे, इतनी सारी मिक्स दाल है, सारी झंगोरा तूर को उरद जख्या भी रखे। ये देखो कितना सारा जख्या रखा है जो आप तड़के के लिए यूज कर सकते हो, और काफी कुछ मिलेगा आपको पहाड़ी, जो कि जो पहाड़ों में जो भी यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सारी पैकिंग की हुई है भैया ने, और ये पहाड़ों में होता है जितनी भी दाल है सारी। हम आज आए हैं, मैं आया हूँ आज आगरखाल ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर, काफी कुछ है यहाँ पे, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, तो आपको दिखाता हूँ फिर मैं आपको सीधा गांव का नजारा, गांव की खूबसूरती, जो कि देवभूमि उत्तराखंड मेरा गांव, जहाँ पे मेरा गांव है। तो बने रहे यार मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ खाड़ी, और जो कि जिस जगह मैं पहुंच चुका हूँ वो है खाड़ी, और खाड़ी से लगभग मेरे को जाना पड़ेगा गांव के लिए लगभग 12 या 13 किलोमीटर दूर, और अब मैं जाने वाला हूँ अपने गांव, और मैं अभी पहुंच चुका हूँ खाड़ी, जो इस जगह का नाम है खाड़ी, और खाड़ी से लगभग 12 किलोमीटर दूर, और ऋषिकेश से लगभग 50 किलोमीटर दूर जो कि मेरा गांव पड़ता है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गांव पे, और गांव का ये खूबसूरत सा नज़ारा जो आप आगे पीछे देख सकते हो, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और मैं अभी अपनी गाड़ी से पहुंच चुका हूं गांव में, और ये मेरे साथ था मेरा BMW, और BMW को मैं करने वाला हूं खड़ा सामने, जो कि अब, और गांव का ये सफ़र मेरा 1.5 घंटे का रास्ता था, जो मेरा ऋषिकेश से लगभग मेरे गाँव आने के लिए मेरे को 1.5 घंटे का सफ़र पूरा करना पड़ता है, और उसके बाद मैं पहुँचता हूँ गाँव में, और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में। तो दोस्तों आज का ये वीडियोस इधर से मेरे गांव से, और अब मैं अपनी गाड़ी को साइड करने वाला हूं सामने, जो कि रूट है ये नाइटरी के ले जाता है, और ये एक मार्केट पड़ता है चंबा, जो कि चंबा काफ़ी फेमस है वैसे, चंबा मार्केट है जो यहाँ का लोकल मार्केट है, पड़ता है चंबा, ये जो सड़क जा रही है चंबा के लिए जाती है, और मैं जाने वाला हूँ अपने घर, जो कि मेरा घर यहीं पर पड़ता है नीचे, और यहाँ, और आज का ये ब्लॉक मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक, तो बने रहे फिर वीडियो के अंत तक। आज का ये खूबसूरत सा नज़ारा, और देवभूमि उत्तराखंड से, और ऋषिकेश के बाद ये गांव का है जो खूबसूरत सा नज़ारा, तो मेरे आगे पीछे का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हो यार आप। और टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 5:30, और आज का ये वीडियोज़ भी मैं यहीं तक शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है और शाम का अंधेरा भी होने वाला है। तो मिलते हैं फिर आपको दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियोस में, तो बने रहें फिर मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में, और आपके लिए, और आते रहेंगे ब्लॉक मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक उत्तराखंड से रिलेटिव या गांव से, तो बने रहें फिर मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में। टेक केयर, बाय।